नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको मोक्षदा एकादशी की कथा का श्रवण कराते हैं। एक समय की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे मधुसूदन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और इसका क्या महत्व है। यह सुन भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली परम कल्याणकारी एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान दामोदर के विग्रह की तुलसी पत्र से पूजा की जानी चाहिए। अब मैं आपको पुराणों में वर्णित मोक्षदा एकादशी की कथा सुनाता हूँ, जिसका श्रवण मात्र करने से व्यक्ति को अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है और इस पुण्य फल से किसी भी व्यक्ति के माता पिता या अन्य कोई भी पितृ यदि नरक में है तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। ध्यान पूर्वक अब आप ये कथा सुने। प्राचीन काल में चंपक नगर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर था। यह संपूर्ण सुख और समृद्धि से संपन्न था। यहाँ वैखानस नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। यह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः काल वो विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाने लगा और बोला, हे ब्राह्मण, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने यह वचन सुने हैं, तब से मैं बहुत बेचैन हूँ, चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्राप्त नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ। हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। ऐसे पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार ना करा सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार कराता है, वो हजार मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। राजा की यह बात सुनकर ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वो जरूर करेंगे। यह सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा से कुशल क्षेम के समाचार लिए। आगे राजा ने कहा, महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल मंगल है, लेकिन अकस्मात मेरा चित अत्यंत अशांत होने लगा है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचरने लगे। फिर वह बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने अपने पूर्व जन्म में कामातुर होकर अपनी पत्नी को ऋतुदान नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता नरक में पड़े हैं। तब राजा ने कहा, ऋषिवर, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष मास की एकादशी का उपवास करें और इस उपवास के पुण्य को अपने पिता को समर्पित कर दें, जिसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य ही नरक से मुक्ति होगी। मुनि के यह वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहे अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उन्होंने अपने पिता को अर्पण कर दिया, जिसके प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वो अपने पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर वो स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को पढ़ने या सुनने से
वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला तथा मोक्ष देने वाला है। जय श्री हरि विष्णु।